आप सभी को जय मसीह की प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी गलत मत लेना, ये एक आत्मिक बात है। जब भी आप अपने जीवन का कोई भी किसी भी प्रकार का चेक जब खुदा को दोगे, प्रार्थना का चेक या कोई दुख का चेक, कोई प्रॉब्लम का चेक, कोई टेंशन चिंता परेशानी का चेक भरकर पूरी रीति से प्रार्थना के चेक को प्रभु के भवन में पहुंचाओगे, मतलब प्रभु को दोगे। पता है ये सर्विस ऐसी है कि आप घर बैठे भी प्रभु को चेक दे सकते हो। कैसे? जब आप प्रार्थना में बैठे हो ना, तो आप प्रभु से बोल सकते हो प्रार्थना, वो प्रार्थना आपकी एक चेक की तरह काम करता है, आपकी प्रार्थना एक चेक की तरह काम करता है। उदाहरण के तौर पर ध्यान से समझना, इस वचन का, इस रिकॉर्डिंग का करने का मकसद ये है कि आप लोगों का विश्वास बढ़े, आप समझ पाओ, क्योंकि बहुत बार आप अपनी प्रार्थना पर शक करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप एक बैंक के कस्टमर हो, परमेश्वर की जो बैंक है उस बैंक के आप कस्टमर हो। आपको किसी भाई ने अपना 5,000 का चेक दे दिया। उस भाई ने बोला आपसे कि आप मुझे वो 5,000 रुपये जैसे आपके बैंक में आ जाए मुझे कैश निकाल कर दे देना, है ना। किसी भी रीजन से उसने बोला हो, लेकिन उसने आपको बोल दिया ये लो भाई आपको ये 5,000 का चेक दे रहा हूँ, आप अपनी बैंक में डालकर मुझे कैश निकाल कर दे देना, मुझे आगे से चेक मिला है। तो होता क्या है, आप लोग उस भाई से वो चेक लेते हो और जाकर अपनी बैंक में डाल देते हो, और 3 दिन हो जाते हैं, 4 दिन हो जाते हैं, आपके माथे पर पसीना होता है, आपकी आपके दिल थोड़ा धक-धक करता है इस बात को लेकर, पता नहीं उसका पैसा आएगा या नहीं आएगा, बाउंस ना हो जाए चेक, अटक ना जाए, पता नहीं पहुंचा है नहीं पहुंचा, उस पर ध्यान गया नहीं गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत सारी बातों को लेकर आप सोच सकते हो, टेंशन कर सकते हो। लेकिन जिसने आपको चेक दिया है वो तो फ्री होकर बैठा है, मैंने चेक दे दिया मुझे पैसे मिलेंगे, समझ रहे हो। कुछ इसी प्रकार से प्रभु एक बात सिखलाना चाहता है, समझना इस बात को ध्यान से। आपने अपनी प्रार्थना का चेक जब प्रभु को दे दिया है, टेंशन किसकी है? प्रभु की है। टेंशन किसकी है? उदाहरण के तौर पर यीशु की है। जब यीशु ने आपकी प्रार्थना को लेकर पिता के पास पहुंचा दिया है, क्योंकि लिखा है जो भी तुम मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे वो मेरा पिता तुम्हें देगा, तुम उससे प्रार्थना करोगे मेरा पिता तुम्हें देगा, और लिखा है मेरे बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। जो भी तुम मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे मेरा पिता वो तुम्हारे लिए करेगा और मैं तुम्हारे लिए करूँगा, है ना। जब वो चेक आपको किसी ने दिया और उस चेक को आपने प्रभु को दिया, अब ये टेंशन किसकी हो गई? प्रभु की हो गई, है ना, समझना इस बात को। अब जिसने आपको चेक दिया है उसको कोई टेंशन नहीं है, उसको तो बस पैसे पे फोकस है, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे वैसे ही मैं उसको यूज़ करूँगा या आगे दे पाऊँगा, है ना। लेकिन उसके पास पैसे कब आएंगे? जब पहले आपके अकाउंट में आएंगे तभी तो आप उसको दोगे ना। अब जब आपके अकाउंट में नहीं आ रहे, आप बहुत ज़्यादा तड़प रहे हो, थर थर आ रहे हो, अरे यार कहीं वो गलत ना सोचे, कहीं ये ना सोचे मैंने उसका चेक मार लिया, कहीं वो ये ना सोचे मैंने इसके पैसे खा लिए, कहीं वो ये ना सोचे, गलत गलत बातें उसके मन में ना बनने पाए। लेकिन उसके मन में बनने से पहले आपके मन में बनना शुरू हो जाती है, है ना। अब इसी प्रकार इससे बड़ी टेंशन चिंता परेशानियों को यीशु लेता है। कैसे? जब हम कभी उससे प्रार्थना करते हैं ना, तो यीशु पिता से कहता है, जैसे यीशु ने पिता से कहा था हे पिता इन्हें क्षमा कर। जब हम प्रार्थना करते हैं तो यीशु हमारी प्रार्थना को पिता तक पहुंचाता है, समझना इस बात को, क्योंकि यीशु के द्वारा ही, यीशु के नाम से ही पिता के पास हमारी प्रार्थना पहुंचती है, और तभी पिता उत्तर देता है। और कई बार उत्तर आने में समय लगता है लेकिन ज़रूर आता है। लिखा है मेरी बातें पूरा होने में विलंब भी हो लेकिन वो निश्चय पूरी होंगी, क्योंकि यीशु ने कहा मैं वो तुम्हारे लिए करूँगा, मेरा पिता वो तुम्हारे लिए करेगा, है ना। जैसे पिता ने यीशु की बात के अनुसार पवित्र आत्मा को स्वर्ग से धरती पर भेजा, है ना। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब इसमें टेंशन किसकी हो रही है? आपकी हो रही है कि मुझे पता नहीं उसका अमाउंट मिलेगा नहीं मिलेगा, कहीं मेरे को चक्कर तो नहीं काटना पड़ेगा, चेक कहीं उन्होंने गुम तो नहीं कर दिया है, कुछ भी 36 बातें आपके मन में आ सकती है उस चेक को लेकर। तो इसी प्रकार से प्रभु को टेंशन हो जाती है जब भी आप प्रार्थना करते हो, अरे मेरे बच्चे को प्रार्थना का उत्तर देना है, कहीं वो दुखी ना हो, परेशान ना हो, आंसू में ना रहे, समस्या में ना रहे, चिंताओं में ना रहे, या किसी प्रकार से वो शक ना करने पाए, या फिर वो अपना किसी प्रकार से अपना विश्वास भरोसा तोड़ने ना पाए या वो टूटने ना पाए अंदर से, उसका ध्यान केंद्रित रहे मेरी तरफ, तो प्रभु कहीं ना कहीं आपको उस चेक के द्वारा पिता से बोल बोल कर, आपके उस चेक के द्वारा पिता से बोल बोल कर कि पिता देखिए इसने मुझसे प्रार्थना की है, इसने मेरे नाम से तुझसे मांगा है, और तूने अपने नाम से इज्जत मेरे वचन को दी है, और वचन देह में प्रकट हुआ,
और तूने मुझे देह में प्रकट किया। इन्होंने मुझे यीशु के नाम से तुझसे मांगा है। तो अभी चिंता किसकी है? अभी चिंता पिता की है। अब पिता अपने राइट टाइम पर आपको उत्तर देगा, ज़रूर देगा। कभी वो चेक आपका ख़राब नहीं होगा। ध्यान रखना, दुनियावी बैंक के अंदर आपका चेक बाउंस हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के बैंक में कभी चेक आपका बाउंस नहीं हो सकता। वो प्रार्थना का उत्तर आपको ज़रूर देगा। अगर आप उस योग्य नहीं हो तो आपको बनाएगा। जो भी करेक्शन करनी है वो करेक्शन करेगा। जो भी परफेक्शन की ज़रूरत है आपकी ज़िंदगी में वो परफेक्ट करेगा, ताकि वो चेक अच्छे तरीके से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। अब वो चेक क्या है? जब कभी भी आप प्रार्थना करते हो परमेश्वर से, यीशु मसीह के नाम से, पिता से जो कुछ भी मांगते हैं, तो वो एक चेक के रूप में पिता के पास वो प्रार्थना चली जाती है। आप चेक देकर पिता को आराम से फ्री बैठो, टेंशन फ्री बैठो। ये सोचो कि बस अब आने वाला है, बस होने वाला है। ऐसा विश्वास रखो, ये नहीं कि पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, अरे प्रभु पता नहीं सुनी नहीं सुनी, अरे किसी से और प्रार्थना करा लो, इस पास्टर से प्रार्थना करा लो, इसका हाथ रखवा लो, उस पास्टर से प्रार्थना करा लो, इससे प्रार्थना का विषय दे दूँ अपना। जगह जगह सिफारिश लगाते हैं, शक करते फिरते हैं, कभी किसी पर भरोसा रखते हैं, कभी किसी पर भरोसा रखते हैं। चेक अपना दे चुके हैं, पहले ही प्रार्थना दे चुके हैं प्रभु को, प्रार्थना का विषय प्रार्थना कर चुके हैं प्रभु उसके सामने, प्रभु इस प्रार्थना को सुन ले, ये फंस गई, मैं यहाँ फंस गया, मेरे को उतार ले, मेरे को छुड़ा ले, बचा ले, आज़ाद कर, आशीष कर, जरूरतों को पूरा कर, मेरे जैसा मान सम्मान बढ़ा। इस प्रकार के हमने चेक प्रभु को दे दिए प्रार्थना करके, बैठे बैठे आंसू के साथ, घुटनों के बल, या कैसे भी परिस्थिति में हम चलते फिरते, उठते बैठते जागते, जब भी हम उससे बात कर रहे, प्रार्थना कर रहे, तो इसका मतलब हम उसको एक चेक दे रहे हैं। प्रार्थना करके आप भूल सकते हो, लेकिन वो आपके चेक को क्रेडिट करे बगैर नहीं भूल सकता। ध्यान रखना, अब ये जिम्मेदारी उसकी है, अब ये उसके हाथ में है कि वो आपके चेक को कब आपकी ज़िंदगी में पूरा करके देगा, क्रेडिट करके देगा, आशीषों को आपकी ज़िंदगी में खोलेगा, और आपके पास मैसेज आएगा, एक गवाही आएगी, और आप बोलोगे धन्यवाद प्रभु तूने मेरी प्रार्थना को सुना। तो इसीलिए प्रभु कहता है मत डर, केवल विश्वास कर। यदि तू विश्वास करेगी करेगा तो तू मेरी महिमा को देखेगी देखेगा। क्यों? क्योंकि जो तूने प्रार्थनाएं की है वो तू भूल सकती है, तू भूल सकता है, मैं नहीं भूला। मेरे पन्नों में वो तेरी प्रार्थना सुनहरे शब्दों से लिखी गई है। तू हो सकता है मिटा सकती है, लेकिन वो मेरे हृदय में लिखी गई है। मुझे स्मरण है क्योंकि मैंने सब कुछ बनाया है, और तेरे मन में आने वाले विचारों को भी मैं परख लेता हूँ। तो क्या मुझे वो तेरी प्रार्थनाएं याद नहीं होंगी? प्रभु देगा, राइट टाइम पर आपको उत्तर देगा। ध्यान रखना, आपकी प्रार्थना रूपी चेक प्रभु के पास पहुँचे, किसी मनुष्य के पास नहीं। समझना, पहले आप प्रभु के पास जाओ और धीरज धरो, राइट टाइम का इंतज़ार करो, और इसी के साथ साथ किसी मनुष्य की ओर मत ताको। अगर ताक भी लिया कोई बात नहीं, पश्चाताप करो, प्रभु सॉरी मैंने इधर उधर ताका, मुझे लग रहा है यहाँ से मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, वहाँ से सुनी जाएगी। अरे वो भी तो अपना चेक, अगल बगल के पास्टर्स भी, प्रॉफिट टीचर प्रीचर अपोस्टल इवेंजलिस्ट भी तो अपना प्रार्थना का चेक, अपना चेक और दूसरों का चेक भी तो वो खुद भी प्रभु के पास भेजते, तो तुम लोग डायरेक्ट क्यों नहीं चेक भेजते हो हेड ऑफिस में? क्यों किसी मनुष्य के द्वारा अपने चेक भेज रहे हो? क्यों किसी मनुष्य के द्वारा प्रार्थना करा रहे हो? करा सकते हैं, समस्या परिस्थिति हम समझ सकते हैं, कई बार विश्वास में अंतर आ जाता है, विश्वास में फर्क आ जाता है। जो अगुए हैं उनको एक अलग अभिषेक है, हमें अलग अभिषेक है, लेकिन है तो एक ही बाप की औलाद। हम अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे इसलिए मजबूत नहीं हो पाते हैं। हम दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलाते हैं, दूसरों की बैसाखी के सहारे हम चलने की कोशिश करते हैं, और इंसान आगे चलकर फिर भाग नहीं पाता, समस्या होती तो अपाहिज रहता है। इसीलिए अपनी तरफ से हमें खुद कोशिश करनी है। प्रभु ने कहा यदि तू मैं कोई भी हो सकता है। प्रभु आपसे भी कह रहा है, मुझसे भी कह रहा है, ये बात आपके लिए भी मेरे लिए भी। आपने मैंने जो भी प्रार्थना की है प्रभु उसका राइट टाइम पर उत्तर देगा। क्यों? क्योंकि हमारी और आपकी प्रार्थना का चेक प्रभु के पास पहुँच चुका है, और उत्तर लेकर खुदावन का दूत, उसका स्वर्ग दूत जिब्राइल के समान, जैसे मरियम के पास आया था, जैसे एलिया के पास आया था, जैसे दानियल के पास आया था जिब्राइल, उसी प्रकार से उससे भी बढ़कर खुदा बाप हमारे पास उन उत्तरों को भेजेगा अपने दूतों के द्वारा। डिवाइन हेल्पर्स, अलौकिक सुरदूतों की सेवा, मददों सेवा टहल करने वाली आत्माएं, हमें चंगाई चाहिए, आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, रास्ते खुले चाहिए, या कुछ भी ऐसा चाहिए जो हमारी ज़रूरत है, जो खुदा को पता है, राइट टाइम पर हमारी भूमि पर मेह बरसाएगा, हमारे अकाउंट को ब्लेस करेगा, हमारी आत्मा को आशीषित करेगा। जो भी चीज़ की हमारी ज़रूरत है हमारे ज़िंदगी के अकाउंट में, वो चीज़ वो क्रेडिट करेगा, क्योंकि ये सब कुछ खुदावंत के हाथ में। क्योंकि लिखा, जब तक ऊपर से ना दिया जाए, स्वर्ग ज्योतियों के पिता, स्वर्ग के पिता की ओर से ना दिया जाए, तो धरती पर नहीं माना जाता। ये सब उसके हाथ में है, लेकिन कैसे खुलेगा? हमें प्रार्थना करके धन्यवादी रहना है, और विश्वास करना है, शक नहीं करना, गड़बड़ी नहीं फैलानी, प्रभु की ओर ताकना है ना, इस बात का ध्यान रखना। चाहे उसकी बातें में पूरा होने में विलंब भी हो, लेकिन वो निश्चय पूरी होंगी। ध्यान रखना, प्रतिज्ञा करने वाला सच्चा है। उसने अब्राहम से कहा, चाहे भले ही समय लगा, लेकिन उसने किया, और अब्राहम ने खुली आंखों से देखा,
आप भी देखोगे जैसा मैं लग रहा है। हो सकता है कई बार हमारी गलती के कारण वो चेक डिले हो जाता है, हो सकता है चेक में डेट गलत डाल दी हो सकता है हमने चेक के अंदर या नाम गलत डाल दिया हो, चेक में कोई नंबर गलत डाल दिया हो, चेक में सिग्नेचर ना किए हो सकता है चेक में हमने कुछ कमी पेशी कर दी हो। तो परमेश्वर उस कमी को सेट करता है जो हमारे द्वारा हुई है, हमारी ज़िंदगी में कमी हो, प्रभु उस कमी को करेक्ट कर रहा है। प्रभु से बोले, प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरी ज़िंदगी में हो, मेरी जिस गलती के कारण मेरा चेक रुका हुआ है आज वो गलतियाँ ख़त्म हो जाए, आज वो गलतियाँ ख़त्म हो जाएँ, तेरे लहू से अंतर से साफ हो जाए प्रभु हम, ताकि हम पूरी तरीके से उस हमारे जीवन रूपी बैंक के अंदर तेरी महिमा का उत्तर, हमारे चेक का आंसर, हमारे चेक की ब्लेसिंग हमारे जीवन रूपी अकाउंट में आए। आमेन। तो प्रभु आशीष से आप सभी को, जय मसीह की।